अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप लोग? आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ हमारा साइड का काम धंधा, और यहाँ सब फ्रेंड लोग को दिखा देता हूँ। ये सब यमनी, पाकिस्तानी, पठान सब लोग यहाँ पे हैं, सुदानी, और ये सब ऑपरेटर लोग आ चुके हैं। इधर देख सकते हैं आप लोग, अभी नाइट ड्यूटी में। और ये हमारे जिगर के टुकड़ा लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, देखो भाई आ जाओ। ये मेरे भाई लोग हैं, पाकिस्तान का है, इंडिया का है। माफी गिर गया अम्मी ऐसा जी। वहाद अल महंदे सराय, वहाद अल महंदे सियासर, वहाद अल शबाब, वहाद अल हिंदी गोद मिया मिया। और सब सुख शांति है भाई। ये सऊदी में हम लोग हैं, और यहाँ पे एक ये बड़ा सा प्रोजेक्ट चल रहा है आज लगभग 10 महीने से। और आप लोग को मैं दिखा दूं कि यहाँ बड़े बड़े किरान लगे हुए हैं, अभी काम चला रहा है, एकदम जबरदस्त काम चल रहा है, दिन रात। आपको मैं अपने पीछे दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे किरान है, बहुत सारे पोकलेन है, मैं आपको दिखा रहा हूँ आगे। और आप ये देख सकते हैं कितने सारे पोकलेन खड़े हैं, लगभग 150 पोकलेन खड़े हैं यहाँ पर। किरान है यहाँ पर, आप देख रहे हैं हम लोग पहाड़ों पे एक खड्डा किया गया है लगभग 10 से 15 मीटर का, नीचे खाली पत्थर है, मिट्टी नहीं है यहाँ पे। और इतना स्पीड है काम का कि हम लोग एक साइड से पोकलेन का काम खत्म कर रहे हैं, दूसरी साइड से इसको कॉन्क्रीट करने वाला, जैसे आप देख रहे हैं काला काला जो दीवार दिख रहा है आपको, ये इसके ऊपर कॉन्क्रीट किया हुआ है। बाकी उधर जो सफेद दीवार देख रहे हैं वो हम लोग टेचर से पत्थर कटिंग कर रहे हैं। और यहाँ इस साइड किरान है, सब कुछ लगा हुआ है, दूसरे सिरका 3-4 कंपनियां काम कर रही है, और ड्रिल भी चल रहा है, होल भी यहाँ पे काम चालू है, बहुत खर्चा कर रहा है यहाँ पे। लेकिन ये मैं तो कहता हूँ फालतू में खर्चा कर रहा है, दीवारों में होल करके पत्थर में सलिया डाल रहा है, क्या फायदा इससे? थोड़ा गरीब को हमारे जैसे को दे दे तो अच्छी बात है। आप लोग से इतना कुछ तो मैं बता दिया, लेकिन मेरे भाई मेरा पोकलेन नहीं मिल रहा है। हाँ, इधर से आप देख सकते हो मेरे पीछे कितने सारे पोकलेन खड़े हैं। और आप लोग को मैं ये लॉन्ग वीडियो अभी डाल रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो भी डालता हूँ। मेरे फेसबुक का आईडी है वसीम राजा, यूट्यूब का है पापा जी। और आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, और फेसबुक पर भी हमको फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, और आगे बढ़ाइए यार। जो कोई चीज अगर नया भी हो ना, तो उसको थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए, कहीं पुराने वाले से अच्छा काम आ जाए। तो आप लोग सपोर्ट करेंगे तो थोड़ा दिल में जिगर रहेगा कि चलो काम करें। इसलिए आप लोग से बस यही कहना चाहते हैं कि आप लोग थोड़ा मुझे सपोर्ट करें। और गंदे वीडियो तो पूरा दुनिया देख रहा है, रातों रात गंदा वीडियो वायरल हो जा रहा है, लेकिन देखो भाई मैं जो वीडियो बनाता हूँ, मैं वीडियो पे डायरेक्ट फोकस नहीं कर सकता, ठीक है? हम नौकरी वाले इंसान हैं, हम सऊदी में नौकरी कर रहे हैं, हमारे ऊपर फैमिली की जवाबदारी है, इसलिए नौकरी से टाइम निकालकर एक आध दो वीडियो रोज मैं बनाकर डालता हूँ। और इसी में आप लोगों को हमारा सपोर्ट करना है, हमें मदद करना है आगे बढ़ने में, शेयर करना है, फॉलो करना है, और हमारी वीडियो को देखना भी है, ठीक है? अरे हम अच्छे वीडियो बनाते हैं, चलो जो भी बनाते हैं, थोड़ी सी डांसिंग, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ी लिपसिंग, आप पूरे फैमिली के साथ देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन गंदे वीडियो को आप लोग जो सपोर्ट करते हैं, 3-4 बार एक ही वीडियो को देखते हैं, बाद में उसको शेयर करते हैं, कॉमेंट करते हैं, हाँ वेरी नाइस, फलाना देखना पूछड़ा, इससे अच्छा है कि कुछ अच्छे को फॉलो करो। और आप देखो ये काम हमारा इधर चल रहा है, लेकिन फिर मैं आगे फिर दूसरा वीडियो डालेगा, ये आगे कैसा कैसा काम मिलता है ये फिर मैं आगे आपको लोग बताएगा, ठीक है? लेकिन आप लोग हमें फॉलो करना ना भूलें। तो आप देखो इधर एक मेरा कश्मीर वाला भाई है, वो अपने पोकलेन पे पहुंच गया, मैं अपना पोकलेन ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं रहा है, लगभग अब मिल जाएगा। आप लोगों को बता दूं, देख रहे हो कितने सारे पोकलेन खड़े हैं यहाँ पे, और लगभग मैं अपने पोकलेन के पास पहुंच चुका हूँ। और आप लोगों को मैं दिखा दूं कि ये मेरा पोकलेन है, ये नहीं, ये मेरा पोकलेन है। आप देखो मैं पत्थर काटने वाला मशीन चलाता हूँ यहाँ से, ये टेचर है, ये पूरा देख सकते हो, ये मेरा पोकलेन 500 पोकलेन है। और ये सनी का पोकलेन है, और आप देखो इधर इतने सारे पोकलेन खड़े हैं भैया, देखकर दिमाग खराब हो जाएगा। आप देखो ये सब देखो मेरे भाई, उधर सेफ्टी वाला है, अभी गिर करेगा, बोलेगा ये सादा माफी जो हाल। गाइस, तो आप देखो मेरा ये पोकलेन,
अब मैं इस पोकलेन के सीट पे चढ़ने वाला हूँ और चालू करने वाला हूँ। भाई इतना ऊंचा पोकलेन है ना कि चढ़ने में ही मेरे हालत खराब हो जाता है। और आप देख सकते हो कि मैं पहुँच गया। और आप देखो ये हमारे पोकलेन की सीट है, इधर कंप्यूटर है, गाना वाना सब कुछ कनेक्ट कर सकते हो, बजा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ सेफ्टी वाला जगह है और शूटिंग करना भी बड़ी मुश्किल है। वो गिड़गिड़ करता है, वो मतलब मगजमारी करता है, बोलता है यार मोबाइल तो आप लोग नहीं चलाओ साइड पे, लेकिन फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोग को यहाँ सऊदी की जानकारी देने के लिए। लेकिन एक बात मैं आप लोग से कहना चाहता हूँ, सऊदी आना चाहिए मेरे हिसाब से। आप लोग अब क्या सोचते हो ये पता नहीं। नौकरी में एक तो महीने में आपका एक महीना बिताने में चार जुम्मा जो बड़े किरदार निभाता है, वो चार छुट्टियाँ, उस छुट्टी में आप ड्यूटी आओ, 100 रुपया मिलते हैं यहाँ का, जैसे इंडिया का 2200-2300 रुपये, वो सब देख कर टाइम भी अच्छा निकल जाता है। और सऊदी में आना चाहिए, आइए यहाँ पर घूमिए फिरिए काम कीजिए। पहले की माहौल अलग था, अभी एक साउथ का पिक्चर बना है द गोट लाइफ, आज से 25-30 साल पहले की कहानी बताया है। एक केरला का आदमी आया था अपने 3 साल का बच्चे को छोड़कर और यहाँ सऊदी के पास फंस गया था, बकरी चला रहा था। वो लगभग उसके लड़के का शादी हो गया, उसके बाद वो घर गया। तो कुछ लोग उस वीडियो को, उस पिक्चर को देखकर ऐसा सोच रहे हैं कि सऊदी सारे खराब है, तो 25-30 साल पहले इन लोगों का ये सब जंगली पहाड़ी थे, इनको क्या पता था दुनियादारी। लेकिन अभी बहुत अच्छा है, मियां है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी आना चाहिए, अभी हर तरह से, ऐसा नहीं है कि पूरा सऊदी खराब है। देखो अपने यहाँ पे पूरे इंडिया में, पूरे इंडिया का लोग सही नहीं है, कोई ना कोई खराब है, हर शहर में, हर गांव में, हर परिवार में। इसी तरह सऊदी में कुछ लोग हैं जो खराब हैं, कुछ लोग हैं जो अच्छे हैं। इसलिए इतना दिमाग में नहीं रखना चाहिए। हम लोग मजदूर आदमी नौकरी के लिए, 2 पैसे के लिए, परिवार के पेट भरने के लिए हम लोग हर जगह जाने के लिए तैयार रहते हैं, तो रिस्क लेना चाहिए। आइए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप लोग की अब इसके आगे मर्जी, मैं जहाँ तक पूछ सकते यहाँ तक बता दिया, और आप लोग अब इसके आगे देखिए कैसे क्या है। लेकिन आप लोग हमें हमारे आईडी को, फेसबुक आईडी वसीम राजा, इसको फॉलो करें, हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारे यूट्यूब चैनल पापा जी उस पर जाएँ, सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को देखें। सेम वीडियो सब पे मिलेगा, लेकिन सपोर्ट करें आगे बढ़ाने में। यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, अधिक गर्मी है। अभी अब सीजन एक महीने में ठंडी का चालू हो जाएगा, लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। नहीं कहते हैं कि जो लोग सऊदी में आ गए हैं, जो गर्मी से लड़ गए हैं, वो सऊदी में टिक गए हैं। तो यही बात है भाई कि सऊदी आने का जुनून था, और यहाँ की गर्मी जब अपने ऊपर असर किया तो लगा कि इंडिया में ही सुकून था। तो गाइस आप लोग भी मस्त रहे, खुश रहे, जहाँ रहे वहाँ। और नौकरी तो हमारी जिंदगी है भैया, लेकिन पूरी जिंदगी नौकरी नहीं करना है। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मेहनत करके 10-5 साल में कुछ पूंजी बनाओ, दुकान करो, घर परिवार के साथ रहो। हम तो उस हालात से मारे हुए हैं कि भाई हम एक बिस्किट खा के 3-3 दिन तक गुजारे हुए हैं। तो इस तरह से हमारी समय निकलता गया। चलो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो खुशहाल जिंदगी है, लेकिन अब कुछ ना कुछ बिजनेस करने के लिए सोचना पड़ेगा। नौकरी कितने दिन करना, दूसरे की गालियां आवाज सुनना। इसलिए आप लोग हमें सपोर्ट करें भाई, हम आप इतना कुछ कह रहे हैं ना, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, आगे बढ़ाएं। फिर आप देखिए आगे क्या क्या मैं आप लोग को दिखाता हूँ। ओके, थैंक यू मेरे दोस्तों।